मैं बहुत ही परेशान हूँ। आप गलत जगह पर आ गए हैं गालबन। मैं समझा नहीं क्या मतलब गालबन। मैं इंसानों की परेशानी दूर नहीं कर सकता क्योंकि मैं एनिमल हस्बेंड्री यानी के पोल्ट्री फार्म बल्कि मुर्गी खाने का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब मैं मुर्गियों की वजह से परेशान हूँ। मुझे एक बात बताइए, कौन नहीं है आजकल परेशान? आजकल बर्ड फ्लू फैला हुआ है, मत खाएं मुर्गी। मैं मुर्गी खाने की बात नहीं कर रहा, मुर्गी खाने की बात कर रहा हूँ, पोल्ट्री फार्म। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया, आप पोल्ट्री फार्मर है। था जनाब। क्या बेच दिया? काश उन दिनों में मेरी गर्दन में सरिया आया हुआ था, एक गाहक आया था, काश मैं मुर्गी खाना बेच देता। कमाल करते हैं जी आप भी, कभी कहते हैं कि मैं पोल्ट्री फार्मर था, कभी कहते हैं कि काश मैं पोल्ट्री फार्म बेच देता। मेरा पोल्ट्री फार्म है, मेरी मुर्गियां बर्ड फ्लू में मुब्तला नहीं बल्कि मैं गलत फहमी में मुब्तला रहा। देखें मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, आप खुल के बात बताएं फिर मैं आपकी मदद कर सकूंगा। वो जी अच्छा भला वेला, बड़ा खुश था मैं, किसी ने मशवरा दिया, मैंने पोल्ट्री फार्म बना लिया। मशवरा बुरा नहीं था मगर हालात बुरे हो गए हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरी मुर्गियां मरना शुरू हो गई हैं। मुर्गियां मरनी शुरू हो गई? ये फिर बर्ड फ्लू तो ना हुआ, मुझे लगता है उन्हें जबरदस्ती मारा जा रहा है। ठीक है मैं समझ गया, इसका मुआयना करना पड़ेगा। जी जी करवाया जी, रिपोर्ट साथ लेके आओ, ये देखिए जी। क्या हुआ? ओके ओके, देखें जी आपको अपने मुर्गी खाने की रेत तब्दील करनी पड़ेगी, उसकी तय जरा मोटी रखेंगे, आपकी मुर्गियां जो हैं ये ठंड की वजह से मर रही हैं, रिपोर्ट में तो यही लिखा है जी। जी बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपको कहा था ना कि अब मुर्गियों की रेत तब्दील करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ जी ठीक ही तो नहीं हुआ सब कुछ जी, फिर मर गई हैं पूरी 100/100 कहे हो गई। आप फिर ऐसा करें, मैं समझ गया, आप ऐसा करें कि बोरियों के पर्दे बना के दीवारों के ऊपर लटका दें, क्योंकि ठंड है ना जी, ठंड तो रोकनी पड़ेगी। ठीक है जो जनाब का हुक्म, बोरियों के पर्दे भी डाल देते हैं। डॉक्टर साहब 300 फिर मर गई है, कहे हो गई। ओ नो नो नो, इसका मतलब ये हुआ कि तादाद बढ़ गई है। आप ऐसा करें, अब मैं कैसे करूं? ओके, आप ऐसे करें कि आप बाजार जाएं और वहां से जाके अंगूठियां खरीदें। जी देखें आप एक काम करें कि आप 8-10 अंगूठियां खरीदें और उनको थोड़े थोड़े फासले पर रखें। देखें जी ठंड है ना जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखें ये बिल्कुल आखिरी इलाज है। देखें गर्मैश पहुंचानी पड़ेगी मुर्गियों को, हीटर गर्मैश अंगीठियां। गर्मैश होगी तो ठंड दूर होगी तो मर्ज दूर होगा। डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में एक बात आई है, मैं मुर्गियों को एक एक स्वेटर ना पहना दूं?